नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं डीडी चैनल। डीडी चैनल में आपको बहुत ही स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा, वहां जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और मैं आपके लिए ऐसा ही हर दिन कोई ना कोई टेक दुनिया का या फिर मोबाइल कंप्यूटर के बारे में कोई ना कोई जनरल नॉलेज लेके आता हूँ। तो और टेक्निकल चीज़ भी हम लाता रहता हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल पे देखे हैं, किस तरह आप मोबाइल से अपना एंड्रॉयड सेट से यूट्यूब के लिए एक अच्छी खासा वीडियो बना सकते हैं और उसका उस पर आप अच्छी खासा इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब में आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आप वीडियो मोबाइल से खींच लिया और यूट्यूब में छोड़ दिया तो आपका रातों रात व्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में काम करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। पहले तो सबसे पहले आपको मान के चलिए कि वीडियो शूट करना है। वीडियो शूट करने के बाद आपको उसमें एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के बाद एक अच्छा क्वालिटी का आपको थंबनेल बनाना है, अट्रैक्टिव होना चाहिए थंबनेल। और उसके बाद आपको टैग लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इस तरह बहुत सारा प्रोसेस है। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपको सब डिटेल्स में समझाने का, तो इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तब जाके आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप एक नया यूट्यूबर है या फिर आप सोच रहे हैं कि आने वाला दिन में आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और अपना मोबाइल से काम चलाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तब जाके आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्या काम करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे करेंगे तो आपका व्यू ज़्यादा बढ़ेगा, आपका चैनल का ग्रोथ होगा और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। मान के चलिए आप वीडियो अच्छा हुआ, आप मोबाइल से किया या जैसे भी हो आप वीडियो बनाया, लेकिन वीडियो तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वीडियो का साउंड जो है साउंड अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको साउंड क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो चाहे आप ही देख रहे हो, मान लीजिए मेरा ही वीडियो आप देख रहा है, लेकिन इसमें अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा तो आप वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको मज़ा नहीं मिलने वाला है वीडियो से। मज़ा तभी मिलेगा जब आपका साउंड अच्छा रहेगा, वीडियो क्वालिटी अच्छा रहेगा, है ना, तब जाके आप एक वीडियो अच्छा बनता है, तब जाके हर आदमी वॉच करना चाहता है, देखना चाहता है। तो ये सब कैसे हो सकता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो आपको बता दें कि मुझे बहुत सारा फ्रेंड्स ये पूछा था कि कैसे ये काम किया जाता है, YouTube के लिए कैसे अच्छा खासा वीडियो बना सकते हैं, उसको अपलोड कैसे किया जाता है, A to Z पूछा था। मतलब ऐसा एक ट्यूटोरियल दे दो जिसमें A to Z हो ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे बोला गया था, बहुत सारा फ्रेंड्स कमेंट्स किया था। तो मैं वही आप करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो देखिए, वीडियो एडिटिंग करके YouTube में छोड़ने के लिए आपको बहुत सारा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा खासा वीडियो बन सकता है। तो वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है। और अगर आप पहली बार सोच रहे हैं कि मैं मोबाइल से ही काम चला रहा हूँ, तो देखिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए एक अच्छा खासा स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास, जिसका कैमरा क्वालिटी भी थोड़ा बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आपका 5 मेगापिक्सल कैमरा है उसमें से ही आप वीडियो बनाया, तो आप सोच सकते हैं एक 5 मेगापिक्सल कैमरा से वीडियो कितना अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसका क्वालिटी उतना खास है ही नहीं। तो क्वालिटी जो खास नहीं है वो आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसलिए आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो भी थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप चाहे तो उसमें थोड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं।
आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे आप अच्छा क्वालिटी का वीडियो बना सकते हैं अपना स्मार्टफोन से। एक अच्छा खासा मोबाइल ले लीजिए, अगर आपके पास DSLR नहीं है फिर भी काम चल जाएगा, चलने लायक है। DSLR नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपका कुछ एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर या गूगल में, जैसा कि फिल्मोरा गो, या फिर आपको वीवा वीडियो मेकर, या फिर कैमतासिया, पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर वगैरह वगैरह बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो मेरे चैनल में भी ऐसा बहुत सारा ट्यूटोरियल छोड़ा गया है, तो आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखने के बाद आप चाहे तो उसमें से आप सीख सकते हैं, सीखने के बाद आप काम में आ जाइए, काम शुरू कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर तो आप कमेंट्स करके मुझे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो मुझसे जितना हेल्प हो सके मैं पूरा आपको हेल्प करूंगा, सजेस्ट करूंगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे वीडियो को आप यूट्यूब के लिए एक अच्छा खासा वीडियो आप बना सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो देखिए चार पांच बात आपको हम बोल देते हैं। सबसे पहले तो एक आपको वीडियो बनाना है, उसके बाद एक अच्छा खासा आपको बेस्ट क्वालिटी का एक थंबनेल बनाना है, क्योंकि थंबनेल एक वीडियो को वायरल होने में बहुत अच्छा खासा पार्ट रोल अदा करता है। तो थंबनेल अच्छा होना चाहिए, और टाइटल जो है वो सबसे मेन चीज़ है। मान लीजिए मेरा वीडियो आप जो देख रहा है, तो आप सर्च कीजिएगा, मान लीजिए YouTube में आप सर्च कर रहा है, लाइक आपको हम बोल रहा है कि हाउ टू मेक टी शर्ट, मान के चलिए इसका मतलब ये हुआ टी शर्ट आप कैसे बना सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हाउ टू मेक रोटी, हाउ टू मेक कुक, हाउ टू मेक ऐसा कुछ भी आप सर्च कीजिएगा, तो सबसे पहले जो आप टाइप कीजिएगा उसी हिसाब से YouTube जो है आपको वीडियो दिखाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको टाइटल जो है, टाइटल बहुत एक मेन पार्ट निभाता है आपका वीडियो को ट्रेंडिंग पेज में लाने का, वायरल होने का, या फिर आपको सर्च बार पे लाने का। तो इसलिए आपका जो टाइटल है, टाइटल को थोड़ा अलग से रखिए, बहुत सोच समझ के अपना टाइटल को चूज़ कीजिए, और अच्छा खासा टाइटल बनाइए, ताकि कोई भी अगर सर्च करे तो आपका टाइटल आ जाए। जैसे आपका टाइटल शो होगा तो वो बंदा टच करेगा आपका वीडियो पे, जैसे टच करेगा तो आपका वीडियो ट्रेंडिंग पेज पे आ जाएगा, मतलब देखेगा तो आपका व्यू बढ़ जाएगा, इसी तरह से आपका वीडियो जो है वायरल होता है। तो इसलिए तीन चीज़ आपको हम बोल दिए हैं, एक हो गया आपका वीडियो कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, दूसरा नंबर पे आ गया आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, और तीसरा मान के चलिए आपका जो थंबनेल है, थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए, और चौथा एक और बात आपको हम बोल रहा है, चौथा जो है आपका डिस्क्रिप्शन। तो मान लीजिए आप एक वीडियो बनाया है लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन में आप कुछ नहीं लिखे, तो वो वीडियो आपका कभी भी वायरल नहीं हो सकता है, कभी भी ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आ सकता है, उसमें वीडियो व्यू ज़्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि किस टाइप का आपका वीडियो है उसका बारे में आपको ज़रूर लिखना है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन देने के पहले एक बार और आपको हम बोल दें कि आपका जो टाइटल है, टाइटल को आपका जो दो लाइन होता है डिस्क्रिप्शन का, फर्स्ट दो लाइन, वो दो लाइन में आपका वो टाइटल ज़रूर होना चाहिए। जो टाइटल आपका वीडियो में आप छोड़े हैं उसी टाइटल को कॉपी करके अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो वीडियो का URL है, होता है, वो URL भी आपको डालना चाहिए। तो ये सब डालिए, डालने के बाद आपका मन में जो आए आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये दोनों काम आपको ज़रूर करना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। करने के बाद और एक काम करना पड़ता है आपको, डिस्क्रिप्शन हो गया तो ये चौथा नंबर हो गया, लास्टली पांच नंबर जो आता है वो होता है टैग। तो टैग क्या होता है, कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है जो आपका वीडियो को सर्च में लाने का एक
अहम रोल निभाती है, अहम रोल अदा करता है आपका वीडियो को शॉर्ट्स में लाने का। मान के चलिए आप लिखे हैं कि आपका जो वीडियो है, मान लीजिए एक फनी टाइप का वीडियो है, या फिर मान लीजिए टेक का कोई वीडियो है, मान लीजिए आपको हाउ टू रिपेयर मोबाइल, आपका वीडियो का टाइटल ये है, तो हाउ टू रिपेयर मोबाइल, तो ये जो आपका टाइटल है, ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो को आप जब टैग में जब लिखेगा, आपका जो टाइटल है, टाइटल को 3-4 पार्ट कर लीजिए, ठीक है। जो टाइटल आप डाले हैं आपका वीडियो में, वो टाइटल को 3-4 पार्ट में डिवाइडेड कर लीजिए। करने के बाद वही पार्ट को आप टैग में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए जैसा हाउ टू रिपेयर मोबाइल, हाउ टू रिपेयर एंड्रॉयड डिवाइस, या फिर रिपेयर डिवाइस, हाउ टू मेक, इस तरह से डिवाइड करके करके आप उसमें डालिए। तो ये होता है टैग। तो कोई बंदा अगर आप टाइप किया गूगल पे, सॉरी यूट्यूब में सर्च किया कि हाउ टू, जैसे हाउ टू लिखा तो आपका जो कीवर्ड है आप उसको डाले हैं हाउ टू, तो हाउ टू जैसे वो सर्च मारेगा तो आपका जो कीवर्ड है कीवर्ड के साथ वो मैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो वीडियो है वो भी उसका लिस्ट में आ जाएगा। मान लीजिए 2-3-4 वीडियो का नीचे आ गया, लेकिन आएगा ज़रूर। तो वो बंदा क्या किया, दो वीडियो मान लीजिए पहले वाला देखा अच्छा नहीं लगा उनको, तीन नंबर देखा अच्छा नहीं लगा, लेकिन चौथा नंबर आपका वीडियो है वो देखा तो हो सकता है वो बंदा को अच्छा लगे, और इसी तरह से व्यू बढ़ता है, और वो बंदा आपको वीडियो को शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट्स कर दिया। तो जैसे ये सब करेगा तो आपका वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग पेज पे आने का बहुत चांस रहता है, इस तरह से आपका वीडियो जो है वायरल होता है। तो चलिए, बात तो बहुत हो चुका है, तो चलिए आपको हम दिखाएंगे कैसे ये सब करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो और एक बात आपको हम बोल देते हैं, किसी का भी टैग या फिर टाइटल या फिर थंबनेल आप कॉपी मत कीजिए, किसी का भी मतलब चुरा के आप उसमें मत डालिए। मान लीजिए आप मेरा टाइटल चुरा के डाल रहा है, मेरा पर्सनल चीज़ है, लेकिन मैं ये आपसे पहले मैं ये यूट्यूब में छोड़ा हूँ, तो यूट्यूब को ये पता है कि ये जो टैग है कौन छोड़ा था, ये जो टाइटल है कौन सा वीडियो में है। तो पहले जैसे मैं छोड़ा था आप उसी को छोड़ रहा है, तो यूट्यूब ये बर्दाश्त नहीं करता है और आपका वीडियो को कॉपीराइट हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारा रोल्स होता है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखिए, मैं अभी ये वीडियो को अगर डिटेल्स में आपको समझाऊं प्रैक्टिकली करके तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग में दिखा रहा है 13:28 हो गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो को लंबा मत करूँ, इसलिए मैं ये वीडियो को 2 पार्ट में कर रहा हूँ। ये वीडियो को आप जैसे मैं आपको बोल के समझाया, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको ये करके दिखाऊँगा कि कैसे ये वीडियो को एक यूट्यूब के लिए एक अच्छा खासा वीडियो आप बना सकते हैं, ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा पार्ट 2 में, इसलिए आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए सब के लिए मस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। मैं हूँ आपका होस्ट, लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।